एसीएल सर्जरी के बाद है ना कुछ नुकसान होते हैं बॉडी के अंदर, कोई भी करे सर्जरी नुकसान तो होता है। क्या नुकसान होता है? पहला नुकसान होता है कि बॉडी रेस्ट पे जाती है। अगर स्क्रू सर्जरी हुई तो 1.5 महीना रेस्ट पे जाएगी, इंटरनल ब्रेस हो थोड़ा कम जाएगी, पर जाएगी तो सही रेस्ट पे। दूसरा जो इंजरी हुई वो भी रेस्ट देती है कुछ दिन की, उससे क्या होता है भाई मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती है। अब जब मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती है ऊपर की मसल्स, तो पटेला की ट्रैकिंग खराब हो जाती है। पटेला उठ के नहीं चलता, ये चिपक के चलता है कर 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 कर, तो ये पीछे से घिस जाता है। सो अगर हमने अपनी मांसपेशियां मजबूत नहीं बनाई सर्जरी के बाद, तो पटेला घिस जाएगा पीछे से, हमें आर्थराइटिस। दूसरा बेटा, ये मांसपेशियां हैं जो फ्यूचर में इस घुटने को बचाएगी। कल गिर जाते हो, चोट लग जाती है, तो लिगामेंट टूट जाता है, क्योंकि मांसपेशियां बचा नहीं पाती। सो अभी सर्जरी के बाद मांसपेशियां इतनी कमजोर है, कल को गिर गए तो ये मांसपेशियां इसको बचाएगी नहीं और नया लिगामेंट फट से टूट जाएगा। सो हमें एडवांस रिहैब करना है ताकि मांसपेशियों में वो शक्ति है कि वो बचा पाए। ये नॉर्मल रिहैब से ऊपर वाला रिहैब है, प्रोटेक्शन रिहैब बोलते हैं इसको, प्रोप्रियोसेप्शन रिहैब, एजिलिटी ट्रेनिंग। नॉर्मल रिहैब का मतलब है पाँव मुड़ गया, पाँव सीधा हो गया, हम चलने लग गए, थोड़ा बहुत स्क्वाट मार लिए, ये नॉर्मल रिहैब के बाद हमारे भारत में लोगों को छोड़ दिया जाता है कि बढ़िया हो गया तुम्हारा रिहैब। एडवांस रिहैब पूरा बाकी रह गया, जिसमें ड्रिल्स आती है, प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग आती है, वो आपकी मसल को स्टेबिलिटी देती है जो इस लिगामेंट को बचाती है। तो फ्यूचर में लिगामेंट टूटेगा नहीं अगर हम एडवांस रिहैब करेंगे तो। मेरा पटेला पीछे से नहीं घिसेगा अगर मैं एडवांस रिहैब करूंगा तो, और मैं नहीं किया तो मेरा नी भी डिजेनरेट होगा, ऑस्थराइटिस में जाएगा, मेरे को दर्द कट कट पट पट जिंदगी भर चलता रहेगा, और मेरा लिगामेंट के भी टूटने के खतरे रहेंगे। दूसरा, हमारे नए लिगामेंट बनाए टेंडन से, उसमें ना नर्व एंडिंग है ना ब्लड वेसल है। नर्व्स कौन सी होती है? उसमें प्रोप्रियोसेप्शन नर्व एंडिंग, जो मुझे सेंस देती है स्पेस का। आंखें बंद करके मैं हाथ पैर घुमा रहा हूँ, मुझे मालूम है मेरा हाथ पैर कहाँ जा रहा है, तभी मेरा ब्रेन इसको बचा पा रहा है ना। मैं पीछे जा रहा हूँ, अभी और पीछे मत जाओ, पता नहीं क्या है, मैं वापस ले आया, तो मेरा ब्रेन बचाता है, सेंस करता है कि मेरी बॉडी कहाँ जा रही है, भले मैं देख नहीं रहा हूँ। ACL में वो नर्व एंडिंग होती है जो ब्रेन को फीडबैक लूप भेजती है, भैया कहाँ जा रहा है, घुटना खेल रहा है, भाग रहा है। सो मसल उस तरह से एक्ट करती है, उसको बचा के रखती है। वो बेटा आप में है नहीं अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एडवांस रिहैब नहीं किया। जैसे ही हम एडवांस रिहैब करेंगे, प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग, वो फटाफट नर्व एंडिंग आने लग जाएगी, इस पर ग्रो कर जाएगी, तो ये कंप्लीट हुआ ट्रीटमेंट। तो एडवांस रिहैब करने के सेंटर कम है इंडिया में, हमारे पास है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, आपको हर वीक कॉल करेंगे फोन पे, हर वीक बेटा आप कहीं आप कहीं भी पोस्टिंग हुआ, आपको एक्सरसाइज सिखाई जाएगी फोन पर, पूरा एडवांस रिहैब तक। जब जब आपको टाइम मिलता है, 1-2 महीने में एक बार को, जो पास रहते हैं वो हर सप्ताह आ जाते हैं, जो दूर रहते हैं वो महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार आते हैं, जो और दूर रहते हैं वो 2 महीने में एक बार आते हैं। जब जब नहीं आते, एक्सरसाइज हम सिखाते रहते हैं सबको। सो एडवांस रिहैब में पूरा लेना है 6 महीने तक, तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। सब गेम में तभी जाना है जब हम बोले कि हाँ भाई अब तुम फिट हो गेम खेलने के, उससे पहले जाओगे तो नुकसान। सारा इम्प्लांट आर्थरेक्स का है। अब ये सर्जरी थोड़ी महंगी होती है स्क्रू सर्जरी से। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं, और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा, आपके फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा, और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।